Hello friends, my name is Deepak Sood and welcome to my YouTube channel Tech Guru. दोस्तों अगर आप अपनी technical skill को upgrade करना चाहते हैं तो जल्दी से आप मेरे YouTube channel को subscribe कीजिए और bell icon press कीजिए और all notification को select कीजिए ताकि जब भी मैं कोई new video upload करूं उसका notification सबसे पहले आपको मिल सके. दोस्तों start करते हैं आज का session. Last session में मैंने आपको बताया था कि आप VMware के अंदर Windows 10 को कैसे install कर सकते हैं और उस विंडोज के अंदर आप ड्राइवर्स को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं ताकि आप फुल स्क्रीन करके अपने प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म कर सकें. दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने सिस्टम के अंदर ऑनलाइन सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो और आप अपने सिस्टम के अंदर एक टूल आता है विंडोज ADK, उसे इंस्टॉल करके आप ImageX, USMT, विंडोज PE इन सब टूल्स को आप डाउनलोड कर सकते हो. दोस्तों स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपको इंटरनेट एक्सेस करना है अपने सिस्टम पर और यहाँ पे आप टाइप करेंगे nanite.com, एंटर. दोस्तों आपको वेब यूआरएल के अंदर यहाँ पर टाइप करना है nanite.com. आपके सामने एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का स्क्रीन ओपन होगा. यहाँ से आप अपने सॉफ्टवेयर को चूज करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो. दोस्तों इस साइट का फायदा यह है कि आप आपके सिस्टम के अंदर कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, विंडोज 7, विंडोज 8 या विंडोज 10, 32 बिट भी हो सकता है, 64 बिट भी हो सकता है. जब आप इस साइट से किसी भी सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हो तो आपको नेट पे पहले सर्च करना पड़ता है विंडोज 7 32 बिट के लिए आपको सॉफ्टवेयर चाहिए कि 64 बिट के लिए चाहिए. तो ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जो आपके सिस्टम के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है उसको अपने आप डिडक्ट कर लेता है कि वो 32 बिट का है, 64 बिट का है और कौन सी एप्लीकेशन उसके लिए कंपैटिबल होगी, तो उसे आप सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो. लेकिन दोस्तों इस साइट से आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हो सकते हैं आपके सिस्टम के अंदर लेकिन आपको कोई भी सॉफ्टवेयर का सेटअप नहीं मिल सकता. तो मैं यहाँ से आपको गूगल क्रोम इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, विनरार और के लाइट. अभी मैं आपको सिर्फ ये तीन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके दिखाता हूँ. आप यहाँ से किसी और भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो अपने सिस्टम के अंदर. मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ गेट योर नाइट. दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी आपकी एप्स दिखा रहा है जो आपने सेलेक्ट की हुई है. अगर आप यहाँ से ऐप को चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज ऐप पे क्लिक करके अपनी एप्लीकेशंस को चेंज कर सकते हो. इसको मैं रन कर देता हूँ यहाँ से. दोस्तों ये आपके पास एक कंसेंट ओपन होगा, इसको आपको यस करना है. देखिए दोस्तों यहाँ पे आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है. इसको इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा. दोस्तों ये मेरे सिस्टम में तीनों सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए हैं यहाँ पर. अब मैं सिस्टम के अंदर विंडोज ADK को इंस्टॉल करता हूँ. उसके लिए आपको गूगल क्रोम को ओपन करना है. सबसे पहले गूगल पे आप जाएंगे और दोस्तों इसका आपको गूगल के सर्च बार में यहाँ पे सर्च करना है विंडोज ADK फॉर विन 10. यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे जाना है आपको. अब इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे डाउनलोड द विंडोज ADK फॉर विंडोज 10 1903 वर्जन. देखिए दोस्तों सॉफ्टवेयर मेरा यहाँ पे डाउनलोड होगा. अब आप इसे रन करेंगे. दोस्तों सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम के अंदर ऑनलाइन डाउनलोड होगा. पहले आप इसे इंस्टॉल भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं. यहाँ पे देखिए दोस्तों दो ऑप्शन आपको दिखा रहा है. अगर आप डायरेक्ट इंस्टॉल करना चाहें तो आप डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं. अगर आप इसे डाउनलोड करके रखना चाहें अपने सिस्टम में तो डाउनलोड भी कर सकते हैं. तो दोस्तों मैंने इसे अपने सिस्टम में डाउनलोड करके पहले से रखा हुआ है तो मैं वहीं से इसका सेटअप रन कर देता हूँ. आपको इस सेटअप फाइल को रन करना है. नेक्स्ट यस करेंगे इसको. आई एक्सेप्ट. दोस्तों ये सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएंगे लेकिन मुझे यहां पे अभी सारे सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए तो मैं यहां से जो चाहिए उसको टिक रहने देता हूं, बाकियों को अनटिक कर देता हूं यहां पे. तो दोस्तों मुझे यहाँ पे डिप्लॉयमेंट टूल चाहिए यानी कि ImageX का सॉफ्टवेयर चाहिए, विंडोज PE चाहिए और यूजर स्टेट माइग्रेशन. मुझे यहाँ से तीन टूल चाहिए तो मैं इन तीनों के ऊपर टिक रहने देता हूँ और इसको क्लिक कर देता हूँ इंस्टॉल पे. इसको यस कर दिया. दोस्तों जब आप ये सॉफ्टवेयर जब नेट से डाउनलोड करोगे तो इसके वर्जन चेंज होते रहते हैं. तो अभी हमारा विंडोज का 10 वर्जन चल रहा है वो 1909 चल रहा है. तो आप 1903 का यहाँ पे विंडोज ADK डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल कर सकते हैं. जो यहाँ पे मैं ADK यूज कर रहा हूँ उसका जो साइज है वो नियर अबाउट
3.37 GB है। ये सॉफ्टवेयर दोस्तों मेरा इंस्टॉल हो गया है, तो आप इसे यहाँ पे क्लिक करेंगे क्लोज पे। अब जो मेरे मेन मेन सॉफ्टवेयर थे ImageX, USMT, विंडोज PE और U, इन सब सॉफ्टवेयर को मैं कॉपी कर लेता हूँ अपने सिस्टम में। आपको अपने सिस्टम में दिस PC में जाना सबसे पहले, इसके बाद आप जाएंगे सी ड्राइव में, सी ड्राइव के बाद जाएंगे आप प्रोग्राम फाइल x86 में, इसके बाद आपको जाना है विंडोज किट्स में 10 फोल्डर में, असेसमेंट एंड डिप्लॉयमेंट किट फोल्डर में। दोस्तों इसके बाद आपको जाना है डिप्लॉयमेंट टूल्स में, यहाँ पे आपको बहुत सारे फोल्डर्स मिल रहे हैं, तो पहले मैं जाता हूँ x86 में, इसके बाद इसमें DISM में, और यहाँ से आपको ये सॉफ्टवेयर जो है ImageX के नाम से, ये सॉफ्टवेयर आपको कॉपी कर लेना है और इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ अपनी ई ड्राइव में, और इसको मैं रीनेम कर देता हूँ ImageX। ये मेरा 32 बिट का है तो मैं x86 लिख देता हूँ यहाँ पे। फिर से आपको AMD 64 में जाना है। AMD 64 का मतलब होता है 64 बिट, AMD प्रोसेसर नहीं है, आप ये नाम ही इसका AMD 64 होता है। इसमें भी आप DISM फोल्डर में जाएंगे, यहाँ पर भी आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा ImageX के नाम से, आप इसे भी कॉपी करेंगे और अपने सिस्टम में आप पेस्ट करेंगे इसे किसी और ड्राइव में। इसको भी मैं रीनेम कर लेता हूँ ImageX x64 के नाम से। इसके बाद आपको जाना है USMT फोल्डर में, यूजर स्टेट माइग्रेशन टूल में। दोस्तों इस सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है जब हमें यूज़र की माइग्रेशन करनी होती है विंडोज़ 7 से विंडोज़ 10 में, या विंडोज़ 10 के किसी एक वर्जन से किसी दूसरे वर्जन में, या यूज़र के प्रोफाइल को कॉपी कर लेता है। तो यहाँ पे आपको तीन दिखा रहा है, AMD 64, ARM 64 और x86। तो मैं यहाँ से कंप्लीट फोल्डर ही इसका कॉपी कर लेता हूँ और अपने सिस्टम में ई ड्राइव में पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। दोस्तों लास्ट फाइल है यहाँ पे मेरी विंडोज प्री इंस्टॉलेशन एनवायरनमेंट की, विंडोज PE की। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे फाइल्स तो अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ पे आपको CD बनानी पड़ेगी। तो मैं आपको यहाँ पे CD बनाना सिखाता हूँ, आप CD कैसे बना सकते हैं। आपको स्टार्ट पे जाना है, स्टार्ट पे जाने के बाद आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे डिप्लॉयमेंट एंड इमेज टूल एनवायरनमेंट पे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस पे क्लिक करना है। दोस्तों ये आपका एनवायरनमेंट टूल ओपन हो गया है। आपको ये कमांड अपने डिप्लॉयमेंट DOS प्रॉम्प्ट पर ही चलानी है। ये प्रॉम्प्ट आपको जो आपने विंडोज PE इंस्टॉल किया था उसके बाद आपको ये DOS प्रॉम्प्ट मिलेगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले कमांड चलानी है कॉपी PE स्पेस x86, ये फोल्डर का नाम है जो आपको पीछे बैक साइड पे नजर आ रहा है, स्पेस पाथ देना है, तो पाथ मेरा ई ड्राइव है। ई ड्राइव के अंदर मैं एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ WinPE x86 के नाम से, एंटर। अब आप इसकी डिस्क बनाएंगे। डिस्क बनाने के लिए आप यहाँ पे कमांड रन करेंगे मेक WinPE मीडिया स्पेस /ISO स्पेस, आपको फोल्डर पाथ देना है, तो मेरा ई ड्राइव के अंदर WinPE x86 के नाम से है, और मैं यहाँ पे ई ड्राइव के अंदर एक ISO फाइल क्रिएट करता हूँ, नाम देता हूँ WinPE x86 ISO देना है आपको, एंटर। तो दोस्तों मेरी यहाँ पे x86 की फाइल एक क्रिएट होगी ISO फाइल, आप देखना चाहते हो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा WinPE x86 नाम का फोल्डर क्रिएट हुआ था, और यहाँ पे जो मीडिया के अंदर ये फाइल्स पड़ी हैं ये आपकी फाइल्स हैं जो आपकी CD के अंदर कन्वर्ट हो रही हैं, और CD आपकी ये पड़ी हुई है WinX86 के नाम से, ये टोटल आपकी 211 MB की है। अब मैं यहाँ पे 64 बिट के लिए कमांड रन करता हूँ यहाँ पे, तो आप यहाँ पे कमांड टाइप करेंगे कॉपी PE स्पेस AMD 64 स्पेस ई ड्राइव WinPE x64 मैं नाम देता हूँ, एंटर। देखो सर हमें फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब मैं इसका ISO बनाता हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे कमांड टाइप करता हूँ मेक WinPE मीडिया स्पेस /ISO स्पेस ई ड्राइव फोल्डर नेम WinPE
x64 स्पेस ई ड्राइव कॉलन बैकस्लैश फाइल का नाम देना है, तो मैं ये नाम देता हूँ WinPE x64। दोस्तों आपने लास्ट में आपको ISO भी टाइप करना है, ISO एंटर। देखिए दोस्तों मेरा यहाँ पे मुझे ImageX भी मिल गया, मैंने कॉपी कर लिया, USMT भी मिल गया मुझे, और मुझे WinPE भी मिल गया 32 बिट का भी और WinPE 64 बिट का भी। अब मैं इन तीनों टूल्स का यूज़ करके अपने और प्रैक्टिकल्स को मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। इन्हें आप माइक्रोसॉफ्ट की साइट से डायरेक्ट डाउनलोड नहीं कर सकते, ना तो आपको ImageX का सॉफ्टवेयर मिलेगा ऑनलाइन, ना ही आपको USMT मिलेगा और ना ही आपको WinPE मिलेगा। आपको विंडोज ADK इंस्टॉल करके ही इन फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। दोस्तों जैसे मैंने सॉफ्टवेयर को मैंने एक्सट्रैक्ट करके अपनी ड्राइव में कॉपी कर लिया है, अब आप इस सॉफ्टवेयर किसी को भी यूज़ किसी और सिस्टम में भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर आपको WinPE इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों मैंने यहाँ पे अपने सिस्टम के अंदर पेन ड्राइव कनेक्ट किया है 32 GB का। अगर आप WinPE का पेन ड्राइव बनाना चाहते हैं कमांड से, तो आपको यहाँ पे कमांड टाइप करनी है मेक WinPE मीडिया स्पेस फोर स्लैश, यहाँ पे आप लिखेंगे UFD स्पेस, यहाँ पे आपका फाइल जो आपने बनाया हुआ है, तो मैं यहाँ से WinPE AMD 64 चूज कर लेता हूँ, WinPE x64। ये मेरे फोल्डर का नाम है और यहाँ से आपको पेन ड्राइव देना है, पेन ड्राइव का ड्राइव लेटर आपका F है, स्पेस F कॉलन और एंटर प्रेस करेंगे, ये आपकी पेन ड्राइव को अपने आप ही बूटेबल बना देगा। ये आपसे प्रोसीड करने के लिए Y प्रेस करने को बोल रहा है, तो आप Y प्रेस करेंगे। देखिए दोस्तों ये इसने फॉर्मेट कर दिया आपकी पेन ड्राइव को, और यहाँ पे देखिए दोस्तों इसने फाइलों को भी कॉपी पेस्ट कर दिया है यहाँ पे। तो आप इस तरीके से अपनी पेन ड्राइव को भी बना सकते हैं बूटेबल, या आप नॉर्मल पेन ड्राइव बूटेबल बनाने के बाद उसमें फाइलों को भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।